शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव का ये आखिरी राज्य है जहां पर आज वोटिंग होने जा रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 33 जिलों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर 4 बजे तक मतदान होगा। 33 जिलों की जो 119 सीटें हैं वहां पर वोटिंग होगी। 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 80 साल से ज्यादा की उम्र के मतदाता घर से मतदान कर पाएंगे। आपको बता दें कि 106 सीटें ऐसी हैं जहां पर 7 से 5 बजे तक मतदान होगा, वहीं 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और देखिए, तस्वीरें भी आने शुरू हो गई हैं। तो लोकतंत्र का जो महापर्व है, तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो गई है और आप देखिए सुबह सुबह ही वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक मतदान केंद्र की, जहां पर वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तेलंगाना की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दो बार से केसीआर मुख्यमंत्री हैं, इस बार उनका किला क्या बचेगा? क्या हैट्रिक लगेगी या फिर जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर ताकत झोंक रखी है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ स्क्रीन की दोनों तरफ हम आपको तेलंगाना के जो वीआईपी उम्मीदवार है उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कहां पर कांटे की टक्कर है वो भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन सीधे रुख करते अपने सहयोगी आशीष का। आशीष, जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या महत्वपूर्ण चीजें रही, कितना दिलचस्प चुनाव इस बार तेलंगाना का है? जी देखिए, अगर हम मतदान प्रक्रिया की बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय एक पोलिंग सेंटर के बाहर हैं। ये पोलिंग सेंटर पुराने शहर में है, राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उसके अंदर ये पोलिंग सेंटर बनाया गया। खास बात ये कि यहाँ पर MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। 7:30 बजे के बाद करीब उनका कभी भी उनका वोट डालने का समय है, उस समय वो आएंगे। और यहाँ खास बात ये कि इस बार कई सारे पोलिंग सेंटर्स हैं, चाहे शहर हो या शहर के बाहर हो, वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, वीडियोग्राफी हो रही है, CCTV कैमराज लगाए गए हैं। तो काफ़ी सख्त तैयारियां और काफ़ी पूर्ण तैयारियां की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर हम बात करें टोटल वोटर्स की, तो करीब 3,17,00,000 वोटर्स हैं, करीब 2,290 मतदाता कैंडिडेट्स हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कामारेड्डी, जहां पर CM KCR BRS के मुखिया हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर हैं। उसके अलावा गजवेल से भी के चंद्रशेखर राव, जो BRS के प्रमुख है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, जो अपने आप को प्रमुख विपक्ष मानती है यहाँ पर, जो उनका मानना है कि वो BRS को अनसीट कर सकती है, हरा सकती है और यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो सकती है, उसके जो प्रमुख है रेवंत रेड्डी, वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है। तस्वीर आशीष साहब के जरिए देखेंगे वोटर्स का क्या मिजाज, वही समझेंगे। लेकिन ABP News, आपको रखे आगे।